एक रन हमने सिमुलेशन का किया, मल्टीपल रन्स किया, क्या हम कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं नेट लोगों में जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा रन्स को कर सकें? सो यस, देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग दैट एंड दैट्स कॉल्ड बिहेवियर स्पेस एक्सपेरिमेंट्स। पहली बात, मल्टीपल रन्स आर नीडेड। वी हैव लुक्ड एट दिस प्रॉब्लम कि थोड़े नंबर ऑफ रन्स, यू नो लाइक इफ़ वी हैव जस्ट 5 रन्स, 10 रन्स, वट आर दे गोइंग टू टेल अस? वो ऐसे रिजल्ट्स बता सकते हैं जो कि फॉल्स हैं। तो हमें मल्टीपल रन्स चाहिए, इतने चाहिए ताकि हमें डेटा हमारा स्टेटिस्टिकली स्ट्रांग हो। इस काम को करने के लिए हमारे पास एक टूल है जो बड़ा सिंपल अंदाज में हम यूज़ कर सकते हैं और उसको कहते हैं बिहेवियर स्पेस। बिहेवियर स्पेस के अंदर अगर आप नेटलोगो में टूल्स में जाएँ तो बिहेवियर स्पेस पर क्लिक करें, वहाँ न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके पास बिहेवियर स्पेस का एक्सपेरिमेंट आ जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग आप द मल्टीपल सिमुलेशन बैच एक्सपेरिमेंट। सो वट यू डू इज़, आप बैच को प्रोग्राम कर देते हैं, आप रन करते हैं और नेट लोगो आपसे कुछ सवाल पूछता है और उसकी बेस पे एक्सेल की स्प्रेडशीट्स आपके पास या टेबल्स जमा कर देता है एंड दे कैन बी देन क्लीन्ड एंड यूज्ड इन डिफरेंट टूल्स। हियर इज द वन स्क्रीन विच विल हेल्प यू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम। सो यू सी, यू स्टार्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, नाम आप अपनी मर्जी से दे दिया, पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट जो आप टेक्स्ट होल्डर देख रहे हैं उसके अंदर उन्होंने कहा वेरिएंट मोबाइल, सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। देन का कुरेक्शंस पर नोड 4.1, ये फिक्स्ड है। नाउ नंबर ऑफ पीपल इज़ वेरिंग, ये किस तरह वेरी कर रहा है, 50 इनिशियल है और 50-50 उसमें ऐड हो गया, यानी 50 फिर 100 फिर 150 और फिर फाइनली 200, फिर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड 1 है। सो इसी द ओनली थिंग जो इसमें वेरी हो रही है वो नंबर ऑफ पीपल है। हर सिमुलेशन जो है 10 टाइम्स रन हो रही है, सिक्वेंशियल होगी और मेयरमेंट क्या हो रहा है, टिक्स। वैसे जो एक्चुअल सिमुलेशंस होती हैं उसके अंदर मोर एडवांस थिंग जो रिपोर्टर हैं जो आप खुद लिखते हैं उनको यहाँ टिक्स की जगह पे लिखते हैं एंड दिस इज़ सेव्ड। तो हमारे पास सिमुलेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके दो डिफरेंट हिस्से हैं, एक है सेटअप कमांड्स और एक हैं गो कमांड्स। सेटअप के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा कमांड्स दे सकते हैं जो एक दो एग्जीक्यूट होंगे। गो कमांड्स वो हैं जो बार बार एग्जीक्यूट होंगे और वो हमने देखा इस बिहेवियर स्पेस के अंदर। लेट्स गो बैक टू लुक एट दैट। यू सी हियर, यहाँ पे सेटअप कमांड्स कौन सी हैं, नीचे दी हुई हैं सेटअप कमांड्स, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हैं गो कमांड्स। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा स्टॉप कंडीशंस भी हैं कि किस जगह पे सिमुलेशन आपकी रुक जाएगी, अगर आप डालना चाहें वो चीज़ें यहाँ पे प्रोग्राम डाल सकते हैं। एंड फाइनली जब पूरी सिमुलेशन ख़त्म होगी देन द फाइनल कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड। So we can manually run them multiple times, but we can also use behavior space experiments to do the same. Using behavior space experiments are very easy and it gives you a large amount of data. You can run the simulations overnight and then collect the data and then analyze using statistical methods.